आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव जैतपुर पट्टी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। 2000 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की प्रधान श्रीमती मुंजरीन बेगम है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान और सचिव राजीव कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद इनके द्वारा की गई है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के जैतपुर पट्टी ग्राम पंचायत में, जहां प्रधान द्वारा अब तक क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन में गरीबों की मदद की गई है, क्या यहाँ पर जो है आगे समस्याएं हैं जिनको लेकर के प्रधान यहाँ मांग रखना चाहते हैं, सबकी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पुत्र से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो 4.5 साल आपकी माता जी की कार्यकाल को लगभग पूरे बीत चुके हैं प्रधान जी में, तो क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर आपने करवाए हैं? देखिए, लगभग गांव में सभी सड़कें पक्की हो चुकी हैं, इंटरलॉकिंग सीसी टाइल्स है। बहुत तेज बोलो। गांव में जो सड़कें कच्ची थी उनको पक्का करा दिया गया है। अधिकतर जितनी भी सड़कें थी और जो बाकी रह गई हैं उनको कराने की कोशिश की जा रही है। अभी लॉकडाउन के चलते जो पैसा आने में दिक्कत हुई है उसकी वजह से विकास कार्य में तेजी नहीं आई है, विकास कार्य रुका हुआ है। लॉकडाउन में गरीबों की मदद की है, बहुत से गरीब परिवार ऐसे जो यहाँ पर आवास वगैरह मिले हैं लोगों को। जी जी, शौचालय से गाँव ओडीए हो गया आपका पूरा। जी, केंद्र सरकार की, हमारा गांव खुले में सोच मुक्त हो चुका है, ओडीएफ मुक्त हो चुका है, जो ब्लॉक में सबसे पहला ग्राम था। जी, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ आपके गांव में सभी को मिला है? जी जी जी, बिजली कनेक्शन लगभग सभी के हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना में जो गरीब लोग थे जिनके पास गैस सिलेंडर वगैरह नहीं थे उनको लगभग सभी को गैस सिलेंडर मिल चुके हैं। किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है खातों में, तो कितने परसेंट लोगों का आपके ग्राम पंचायत में आया है? लगभग सभी लोगों का खाते में पैसा आ रहा है। जिन लोगों का पैसा नहीं आ रहा उनके खातों में या तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कमी है, मतलब आपकी जो है वो जारी है ताकि सभी का 100% इसका लाभ मिले लोगों। जी जी जी, जो मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सरकार ने काफी सख्ती से और बहुत ध्यान देने के लिए स्कूल में जो है ये मिशन चलाया है, इसके अंतर्गत क्या क्या काम स्कूल में होंगे? देखिए मैम, इसमें जो स्कूल में इंटरलॉकिंग टाइल्स दी थी लगभग हम वो भी करा चुके हैं, कुछ एरिया रह गया है, हैंड वॉशिंग सिस्टम वगैरह है, एक्स्ट्रा रूम है, ये सारे काम लगभग हमारे स्कूल में हो चुके हैं, उसको करने की कोशिश जारी है। जैसे कि यहाँ प्रधान जितने भी विकास कार्य हैं इनको लेकर के आप ध्यान देते हैं, यहाँ माता जी आपके प्रधान हैं लेकिन योगदान आपका पूरा पूरा रहता है, तो स्कूल में इतने पिछला जो कार्यकाल बीता है और अब जो ये कार्यकाल चल रहा है इसमें स्कूल में इतना ध्यान देने के बाद, सौंदर्यीकरण कराने के बाद, आपको क्या लगता है, आप खुद एक एजुकेटेड यंगस्टर हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन पे, शिक्षा पे इसका क्या फर्क पड़ा? देखिए, पिछले बार के मुकाबले इस बार बच्चे ज़्यादा हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में ना जाकर सरकारी स्कूलों में आए, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है व्यवस्था को बनाने की। जी, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारी फैसिलिटी हम बच्चों को दे सकें और अच्छे से उनकी शिक्षा जो है बच्चे प्राप्त कर सकें। मिड डे मील वगैरह सब सही मिलता है, आप ध्यान देते हैं, समय देते हैं स्कूल में? मिड डे मील मैं खुद देखता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, चेक करता हूँ कि कोई कमी तो नहीं है। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर ये हैं? जी मैम, यहाँ पर सिर्फ पंचायत घर है, बारात घर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं, तो खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से बनाया नहीं गया, सिर्फ जगह पड़ी है। जी, शमशान घाट, कब्रिस्तान? जी जी मैम, एक शमशान घाट है, एक कब्रिस्तान है। अस्पताल कितनी दूरी पर है यहाँ से? सरकारी अस्पताल यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता, जैसे कि छोटी मोटी बीमारी में लोग अक्सर जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना प्रेफर करते हैं, तो यहाँ किसी तरह की परेशानी तो नहीं सामने आती? नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, असल में यहाँ पास में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने की वजह से सभी लोग खुश हैं,
थोड़ी सी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अपना इलाज करा लेते हैं। जी जी जी, तो यहाँ जैसे 70 दिन का लॉकडाउन रहा पूरे देश में, इसमें आपके ग्राम पंचायत में भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके सामने आई होंगी, तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो इसमें ऐसे परिवारों के लिए आपकी किस तरह की मदद आपकी तरफ से उन्हें मिली? लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ मजदूर लोग ऐसे हैं जिनका रोज का खाना भी मुश्किल था जी, ऐसे समय में हमने जहाँ तक हमसे कोशिश हुई हमने उनका ध्यान रखा, उनको खाने के लिए खाना भेजा, जिस तरह से भी हो सका हमने उनकी मदद की। अभी जो लॉकडाउन है वो अनलॉक हो चुका है और महामारी दिन पर दिन बढ़ने पर है, इसको लेकर के आप अपने गांववासियों से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो है आगे लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं है लेकिन अनलॉक इसको कह सकते हैं, तो गांव वालों से क्या आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से इसको जो है डील करें? देखिए, हम बार बार गांव वालों को समझाते रहते हैं, हर माध्यम से समझाते हैं क्योंकि हमारा हर कहीं बैठना रहता है, तो हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि ये महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बीमारी अभी है, सिर्फ लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, तो इससे जितना हो सके बचें और लोगों को जागरूक करें। अब अपने गाँव को और सुंदर विकसित करें डेवलपमेंट अपने गांव में बढ़ाने के लिए या जो समस्याएं यहां पर हैं उनके जो है सुधार के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? मैम, हमारे यहां एक प्रमुख समस्या है, पूरे गांव का जो पानी है वो एक सड़क पर इकट्ठा हो जाता है जी। उसकी मांग हमने की है, उसके बाद में हमारे यहां कोई काम ऐसा नहीं रह जाता है कि जिसकी मांग की जाए ऊपर से, बाकी तो निचले स्तर से सारे पूरे कर लिए जाएंगे, सिर्फ एक यही मांग है कि जो हमारे यहां बड़ा मतलब पानी तालाब का अगर व्यवस्था हो जाए तो पूरा गांव सौंदर्यीकरण हो जाए। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहां बातचीत की है, बीते 4 सालों में काफी विकास यहां ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, ओडीएफ ग्राम पंचायत हो चुकी है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफी सौंदर्यीकरण करवाया गया है जिसका बदलाव भी अब इस समय में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो एक प्रमुख समस्या जो यहाँ सामने आई है और प्रधान जी द्वारा मांग भी रखी गई है, जल भराव की समस्या यहाँ गांव में लोगों को अक्सर सामने आती है बरसात के दिनों में, या वैसे भी जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का खतरा है जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहते हैं कि अगर सरकार मदद करे, सरकार इनकी मांगों को ध्यान में रखकर पूरा करे तो यहाँ ये गांव विकास की चरम सीमा पर पहुंच सकता है। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन तुझे।